अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजे मैथ स्टूडियो यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम री एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ग्राफ है वो है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। जब भी कोई फंक्शन आपके पास आपके सामने आए तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये x जब हम जीरो वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू जीरो लेते हैं, तो वहाँ पर वो हमें क्या वैल्यू देता है। आप जब यहाँ पर x की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो y की वैल्यू जीरो हो रही है। इट मीन x भी जीरो और y भी जीरो है, तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पर यानी ओरिजिन को टच करेगा। फिर इसी तरह ही जब आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं और x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और x की जगह पे आप जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। इस तरफ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी यहाँ से आपको क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। इसी तरह ही जब आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 4 होता है। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 4। तो इट मींस y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, 4 आएगी। और इसी तरह ही जब आप x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो भी वो प्लस का 1 ही वैल्यू देगा, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे टच करेगी। और इसी तरह ही जब आप x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो भी y की वैल्यू जो है वो हमारे पास y की वैल्यू वो प्लस का 4 आएगी। क्या वैल्यू आएगी, प्लस का 4। तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी आएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ है वो बिल्कुल सेम इस तरह के पैराबोला के फॉर्म में बनेगा और ये चीज़ बनेगी आपके पास। नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अल्टरनेशन के साथ। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही है लेकिन उसमें एक्स की जगह एक्स के साथ क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो अगर इसका ग्राफ आपने ढूंढना है तो सबसे पहले आप देखेंगे जी ग्राफ तो इसका पैराबोला की फॉर्म में ही होगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस में ये किस पॉइंट पे जाके उसको टच करेगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप x की जगह पे क्या वैल्यू ऐसे रखें तो ये हमारे पास 0 बनाए। x की जगह पे आप अगर -2 रखें और ये +2 मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस जब आप x की जगह पे -2 रखेंगे तो ही आपका ग्राफ जो है वो 0 वैल्यू देगा और जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस को टच करेगा। तो इट मींस -2 के ऊपर ये ग्राफ को टच, ये x एक्सिस को टच करेगा ये वाला ग्राफ। और इसी तरह ही जब आप ग्राफ चेक करेंगे y इज इक्वल टू x -2 होल स्क्वायर का, तो अब आप देखें जी ऑब्वियसली ये ओवरऑल जो ग्राफ है ये x स्क्वायर जैसा ही ग्राफ बनेगा इसका, यानी ये पैराबोला के फॉर्म बनेगी इसकी। लेकिन आपने देखना ये ग्राफ x एक्सिस को टच किस जगह पे करेगा, किस पॉइंट पे टच करेगा, तो आप देखें +2। अगर आप यहाँ पुट करें 2 -2 करेंगे तो 0 होता है, तो y की वैल्यू 0 कब हो रही है, जब आप x प्लस का 2 ले रहे हैं। तो इट मीन्स जो आपका ये जो ग्राफ है ये प्लस के 2 के ऊपर x एक्सिस में जो +2 आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर ये ग्राफ उसको टच करेगा। सिमिलरली इसी तरह ही अगर आप देखें तो ओवरऑल फंक्शन है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, तो आपका जो ग्राफ है वो आपका ग्राफ 2 टाइम्स उसको आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे, +2 टाइम्स आप क्या करेंगे उसको ऊपर ले जाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो +3 होगा तो फिर उसको 3 टाइम्स आप उसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी +3 के ऊपर वो जाके टच करेगा वाई एक्सिस को। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके पास कोई फंक्शन है, सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर का आपको पता है ग्राफ क्या होता है, और अगर पूरे फंक्शन में 2 ऐड हो रहा है तो वो जो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो 2 टाइम्स आपका ओरिजिन से ऊपर की तरफ होगा। और इसी तरह ही अगर एक्स स्क्वायर जो है उसमें से -2 हो रहा है तो उसी तरह ही जो आपका ग्राफ है वो ओरिजिन से 2 टाइम्स नीचे यानी -2 को जाके वो क्या करेगा, टच करेगा। तो यहाँ ये 4 स्लाइड्स को देखकर आपको पता चल गया होगा कि अगर सबसे पहले आपके पास कोई ग्राफ आ जाए तो आपने देखना है कि सबसे पहले कोई फंक्शन है तो उसमें उसका जो ग्राफ है वो किस तरह का होता है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। फिर
अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो प्लस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, अगर तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स के अंदर कोई नंबर वैल्यू प्लस हो रही है और उस होल वैल्यू का स्क्वायर है, तो वो आपका क्या होगा, वो लेफ्ट साइड पर ग्राफ के ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर वो ग्राफ आपका शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह ही अगर आपके पास कोई वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर एक्स के साथ वैल्यू माइनस हो रही है और उसका स्क्वायर है, तो आप देखें आपने देखा कि जो ग्राफ है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। और इसी तरह ही अगर आपके पास एक्स स्क्वायर में कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से 2 times ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह ही अगर -2 times एक्स स्क्वायर में से -2 हो जाएगा तो आपका जो ग्राफ है वो -2 नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, -2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया गया उसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसा होता है। और फिर आपने देखना है कि अगर तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू के अंदर कोई नंबर ऐड हो रहा है तो प्लस हो रहा है तो वो लेफ्ट साइड पे ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, माइनस हो रहा है तो ओरिजिन के राइट साइड पे शिफ्ट होगा। और अगर आपके पास पूरे फंक्शन की वैल्यू के अंदर पूरे वैल्यू जो फंक्शन है आपका उसमें वैल्यू आपकी माइनस हो प्लस हो रही है तो वो 2 times ओरिजिन से ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और अगर एक्स स्क्वायर में से माइनस कुछ कोई कांस्टेंट नंबर हो रहा है, -2 हो रहा है, 3 हो रहा है, जो भी है, तो वो ओरिजिन से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली है। फिर जी हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ, y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ हमारे पास ये होता है, ठीक है। ये जो ग्राफ है आपको पता है जब आप x की जगह 0 रखेंगे 1/0 इनफिनिट होता है, और जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू देगा वो हमें 0 के करीब तरीन वैल्यू मिल रही है इसकी, वो इन्फिनिट मिल रही है, y की वैल्यू इन्फिनिट है यहाँ पे। और जब आप x की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे मजीद 1, 2, 3, 4 एंड अप टू ऑन, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, वो आपकी वैल्यू करीब तरीन आती जाएगी 1 के, आहिस्ता आहिस्ता 1 से फिर आगे 2 और अप टू ऑन, वो 0 की तरफ इन्फिनिट की तरफ वैल्यू जाती जाएगी। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, लेट्स सपोज आपने कोई वैल्यू x की जगह वैल्यू पुट की है 100 का स्क्वायर जो है वो आपके पास से 10,000 होता है, तो 1/10,000 करेंगे तो वो आपके पास कोई वैल्यू इन्फिनिट टाइम्स आएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका ग्राफ है वो ये चीज़ हमारे पास होगी। और अगर नेगेटिव साइड पे देखेंगे तो भी आपका ग्राफ यही होगा। अब हमने इस ग्राफ को बिल्कुल जिस तरह हमने पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ को डिस्कस किया है उसी तरह ही 1/x² के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अगर हम 1/x² में एक्स जो पड़ा हुआ है उसमें अगर कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो अगर ओवरऑल फंक्शन में वैल्यू को ऐड करके कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं तो क्या होता है, देखें यहाँ पर हमारे पास एक नया ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x² + 2, पूरे फंक्शन में हमने कोई कांस्टेंट नंबर ऐड किया है। तो जब मैंने कहा था कि कोई पूरे फंक्शन में कोई फंक्शन नंबर आपने ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट जो आपका ग्राफ है वो ओरिजिन से उतने टाइम ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस टू हो रहा है तो ये ओरिजिन से 2 times ऊपर क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह ही अगर हम पूरे फंक्शन में कोई वैल्यू माइनस करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से, ये देखें ये आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 times नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी -2 के ऊपर वो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह ही अगर आपके पास x है 1/x² वाला ग्राफ ही ये बन रहा है लेकिन उसमें कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो आप देखेंगे कि ये प्लस के 2 times x एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपका ग्राफ। और इसी तरह ही अगर आपका जो कोई ग्राफ है 1/x² का वाला ग्राफ ही है लेकिन उसमें क्या है +2 हो रहा है तो जो जितने टाइम कांस्टेंट उसमें x में प्लस हो रहा है वो आपका ओरिजिन से उतने लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो इट मींस अगर हम यहाँ -2 पुट करेंगे तो ही यहाँ पर जाके वैल्यू उसकी 0 बनेगी तो आपके पास ये -2 के ऊपर आपका ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ की शेप रहेगी वैसी ही लेकिन ये क्या होगा आपका -2 के ऊपर ग्राफ ओवरऑल शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी जो है वाई एक्सिस वो ड्रा भी किया हुआ है, इसकी मदद से आपको हेल्प मिलेगी कि हमने ओवरऑल जो ग्राफ है वो वैसे के वैसे उठा के लेफ्ट साइड पे हम लेंगे -2 के ऊपर। नेक्स्ट जी हमारे पास ग्राफ है 1/x² + 1, 1/x² + 1 का जो ग्राफ है हमारे पास ये होता है। अगर आप देखें आप एक्स की जगह पे रखें 0 रखेंगे
तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, प्लस वन करेंगे तो वन आएगा, वन और वन तो आपके पास वन ही आएगी। इसकी वैल्यू जीरो के ऊपर वन मिल रही है हमें, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू वो जीरो के ऊपर जो है वो वैल्यू क्या मिल रही है, वन मिल रही है। अब जब वैल्यू वन है, इट मीन जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, वन मिलेगी। तो ये है वन आपके पास, ठीक है। तो ये वन के ऊपर टच कर रहा है, या वन वन को वन के ऊपर इसकी वैल्यू ये आ रही है। जैसे ही अब आप प्लस वन रखेंगे, प्लस का वन रखेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, माइनस वन रखेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, तो आपके पास चाहे आप टू रखेंगे, थ्री रखेंगे, माइनस थ्री रखेंगे, माइनस टू रखेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल इस ग्राफ के मुताबिक ही वैल्यू आएगी। तो आपने देख लेना है कि वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो ग्राफ है वो हमारे पास ये ही आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्राफ ऑफ वाई इजिकल टू एक्स मॉड। एक्स मॉड का जो ग्राफ है वो हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर आप कांस्टेंट वैल्यूज ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला ग्राफ बनेगा इस तरफ, और अगर आप नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं तो आपके पास ग्राफ ये वाला बनेगा इस तरफ, ठीक है जी। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे वन रखते हैं, वन का मॉड वन होता है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर टच करेगा। अगर आप टू ले रहे हैं, टू का प्लस टू ले रहे हैं, तो प्लस टू के ऊपर जो मोड बनेगा वो आपका ये वाला बनेगा, ठीक है। और इसी तरह ही अगर आप माइनस वन ले रहे हैं, माइनस वन के ऊपर भी इसने मोड ने उसको पॉजिटिव कर देना है, तो इसलिए वाई की वैल्यू जो है वो प्लस का वन आएगा। और इसी तरह जब आप एक्स माइनस टू लेंगे तो वैल्यू वहां पर भी हमारे पास प्लस का मोड से क्या कर देगा, प्लस टू कर देगा। तो इट मीन्स यहाँ पर जो मोड है वो हमें नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कर रहा है, तो ग्राफ हमारे पास ये वाला बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर x। e की पावर x का जो ग्राफ है वो हमारे पास ये वाला ग्राफ होता है। आपको पता है कि अगर आप x की जगह यहाँ पे जीरो पुट करें तो किसी भी नंबर की वैल्यू, किसी भी एक्सपोनेंट में अगर आप जीरो आ जाए, किसी भी वैल्यू के पावर में एक्सपोनेंट में जीरो आ जाए, तो वो किसके बराबर होता है, वो वन के बराबर होता है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास जब आपने एक्स जीरो रखना है, एक्स जीरो रखना है, तो यहाँ पर ये यह जहाँ पे वाई एक्सिस को ये ग्राफ टच कर रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू वो क्या है, वो वन है। ये वन के ऊपर वाई एक्सिस को टच कर रहा है ये वाला ग्राफ, और यहाँ से ये इसी तरह वैल्यू ऊपर, इसकी वैल्यू, ग्राफ की वैल्यू ऊपर जाती जाएगी। नेक्स्ट जी हमारे पास लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ। लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ जो है वो भी अगर आप देखें, एक्स की जगह पर अगर आप जीरो पुट करें तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। ये ग्राफ जो है ये वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसके साथ साथ चलता आ रहा है इस तरह, ठीक है। ये ग्राफ चलता आ रहा है लेकिन ये जीरो को टच नहीं करता, ये वाई एक्सिस को टच नहीं करता। और एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये वन के ऊपर आके वन को टच करेगा, यानी जब आपने जब एक्स की वैल्यू वन लेनी है, जब आपने एक्स की वैल्यू वन लेनी है, हमें पता है लॉग वन जीरो के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जीरो के बराबर हो जाएगी। इट मीन्स ये जो ग्राफ है ये वन के ऊपर आके एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ से इसके जो वैल्यू, ग्राफ की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये वाली आएगी। नेक्स्ट जी हमारे पास वन ओवर एक्स का ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वन ओवर एक्स का ग्राफ हमारे पास ये वाला ग्राफ होता है इस तरह, ठीक है जी, और ये वाला ग्राफ ऐसे। तो आपने ये याद रखना है, जब आप यहाँ पे जीरो पुट करते हैं, वन ओवर जीरो इन्फिनिट होता है, इट मीन्स जीरो के ऊपर ये जो वैल्यू है हमारे वाई की वो इन्फिनिट होगी। फिर इसी तरह आप जब वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास इसकी वैल्यूज आती जाएगी। आपने जब इस ग्राफ में एक्स जब वन रखना है तो y की वैल्यू यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगी, वन ही आएगी, यानी कि ये ग्राफ को इस जगह पे टच करेगा। फिर इसी तरह ही जब आपने x की जगह पे टू रखना है तो आपकी वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो आपके पास वन बाई टू यानी कि 0.5 आएगी। तो इसी तरह ही आपके पास जो वैल्यू है, वैल्यूज पुट करते जाएं तो आप देखेंगे ना ही ये y एक्सिस की तरफ जीरो को टच करेगा और ना ही एक्स एक्सिस की तरफ ये जीरो को टच करेगा। ये जीरो
के करीब तरीन वैल्यू ज़रूर देगा, लेकिन ये जीरो को कभी भी टच नहीं करेगा। तो इस हवाले से ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसको याद रखना है, और इसी ग्राफ की मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जी हमारे पास एक्स क्यूब का ग्राफ। एक्स क्यूब का ग्राफ हमारे पास ये वाला ग्राफ होता है ऐसे। अब एक्स जब वन रखेंगे तो हमें वन का क्यूब वन ही मिलेगा। अब एक्स जब टू रखेंगे तो टू का क्यूब आपको पता है वो एट होता है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी 2.8। और इसी तरह ही आप एक्स जब माइनस वन रखेंगे तो आपको वैल्यू माइनस वन ही मिलेगी। जब आप वैल्यू माइनस टू रखेंगे तो आपको वैल्यू माइनस का एट मिलेगी। तो इस हवाले से ये जो ग्राफ की वैल्यू है वो आपके पास ये आएगी। और ग्राफ किस पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, अगर आप एक्स जब जीरो पुट करेंगे, जीरो का क्यूब जीरो होता है, इट मींस ये जीरो के ऊपर ही वाई जीरो वैल्यू मिल रही है। इट मींस जब आप एक्स जब जीरो पुट करेंगे तो वाई भी जीरो मिलेगा। इट यही ओरिजिन ही इस ये जो ग्राफ है ओरिजिन के ऊपर ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। इसी तरह ही साइन का ग्राफ हमारे पास क्या होता है, साइन का ग्राफ हमारे पास ये होता है, अगर आप साइन यहाँ पे जीरो पुट करें वैल्यू साइन जीरो तो हमारे पास जीरो होता है। इट मींस ये इस पॉइंट के ऊपर जब आप एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू भी जीरो होगी। जब आप साइन की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो वहां पर एक्स की साइन वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जब आप पाई बाई टू लेंगे तो वाई की वैल्यू में क्या मिलेगी, वन मिलेगी। यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है जी। इट मीन्स इसी तरह ही जब आप वैल्यू पुट करेंगे पाई, पाई के ऊपर साइन क्या हो जाएगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर वाई की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पर वाई की वैल्यू वन है, यहाँ पर वाई की वैल्यू ज़ीरो है। और इसी तरह ही जब आप माइनस पाई बाई टू पुट करेंगे तो माइनस पाई बाई टू के ऊपर साइन वैल्यू हमें क्या देगा, माइनस वन देगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस वन है। और सिमिलरली जब आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे माइनस पाई तो साइन माइनस पाई के ऊपर क्या वैल्यू देगा, ज़ीरो वैल्यू देगा, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास साइन का ग्राफ। साइन के ग्राफ के साथ ही हम साइन के इनवर्स का ग्राफ भी देखेंगे। साइन का ग्राफ हमने देखा कि वो हमारे पास ये ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो होता है, फिर पाई बाई टू के ऊपर वन होता है, फिर पाई के ऊपर ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह ये इसका ग्राफ चलता जाएगा और नेगेटिव साइड पे भी इसका ग्राफ ये चलता जाएगा। लेकिन अगर हम इसके इन्वर्स की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स का जो ग्राफ हो वो ये रेड वाला ग्राफ होगा। कैसे ग्राफ होगा, आपने देखा कि ये जो ब्लू वाली लाइन जा रही है, ये ब्लू वाला ग्राफ जो है ये साइन x का ग्राफ है। इसी को आप इसका इन्वर्स ले लेंगे, यानी इसको घुमा दें क्लॉकवाइज, अगर आप इसको घुमा देंगे तो आपका जो ग्राफ आएगा वो आएगा ये वाला रेड वाला जो ग्राफ है ये बनेगा। तो ये है साइन इन्वर्स का ग्राफ आपके पास। सिमिलरली अगर आप देखें ग्राफ कोज एक्स का ग्राफ देखें, कोज एक्स जीरो के ऊपर हमें पता है जब हम एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो ये कोज की वैल्यू वन होगी। कोज जीरो के ऊपर वन होता है, वाई की वैल्यू वन आ रही है। जब आप कोज की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू लेंगे तो कोज पाई बाई टू के ऊपर ज़ीरो हो जाता है। और इसी तरह ही जब आप वैल्यू जो है इसकी पाई लेंगे, एक्स की जगह पे पाई रखेंगे तो कोज पाई के ऊपर हमारे पास माइनस वन वैल्यू देता है। और इसी तरह ही जब आप इसके ऊपर एक्स की जगह पे थ्री पाई बाई टू रखेंगे तो वहाँ पर भी कोज जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और इसी तरह ही टू पाई के ऊपर जो कोज है वो वैल्यू का दे रहा है, प्लस का वन दे रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास बन रहा है पॉजिटिव साइड की तरफ, ठीक है जी। एक्स की पॉजिटिव साइड पे ये वाला ग्राफ बन रहा है, और इसी तरह ही एक्स की नेगेटिव साइड पे जो है वो हमारे पास ये वाला ग्राफ बनेगा। सिमिलरली इसी तरह ही तो कोस का ग्राफ जो है वो आपने याद रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जी वो जीरो किस कहाँ पर बन रहा है, जब आपने पाई बाई टू रखना है तो वहाँ पर हमें कोस जीरो वैल्यू देगा। जब आप माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो भी वहाँ पर उसने वैल्यू हमें जीरो ही देनी है। लेकिन जब आपने यहाँ पर वैल्यू उसकी जो है जीरो रखनी है, एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो वैल्यू लेंगे, यानी एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो के ऊपर वन वैल्यू देगा हमें। तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात वो ये है कॉस फंक्शन के लिए भी और साइन फंक्शन के लिए भी, कि ये जो वैल्यूज हैं कॉस की और साइन की, ये इनका जो ग्राफ है ये
प्लस वन और माइनस वन के दरमियान में ही इनका ग्राफ रहता है, ना ये वाई की वैल्यू हमें ये प्लस वन से ज़्यादा बड़ी मिलती है और ना ही माइनस वन से ज़्यादा छोटी वैल्यू मिलती है, हमें ये माइनस वन और प्लस वन के दरमियान में ही वैल्यूज़ देते हैं, चाहे कोज की वैल्यू एक्स या फिर जो मर्जी रखते जाओ आप, तो हमें ये प्लस वन और माइनस वन के दरमियान में ही वैल्यू मिलेगी, चाहे वो ग्राफ कोज का हो चाहे वो ग्राफ साइन का हो। तो ये बड़ा अहम एमसीक्यूज आता है पेपर में, बच्चों से पूछा जाता है कि जी कोज और साइन का जो ग्राफ है वो कौन सी वैल्यूज के दरमियान में रहता है, तो वो प्लस वन और माइनस वन के दरमियान में ही रहता है। कोज इनवर्स का ग्राफ, हमने ये कोज का ग्राफ देखा कि जीरो के ऊपर ये वन वैल्यू देता है और माइनस पाई बाई टू के ऊपर और पाई बाई टू के ऊपर ये वैल्यू हमें जीरो वैल्यू देता है। तो ये हमने कोज का ग्राफ देखा। अब इसी का इनवर्स अगर आप देखें तो ये कॉस का ग्राफ जो है वो हमारे पास ये आ रहा है ऐसे, ये ब्लू वाला, तो कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ये वाला कॉस इनवर्स का ग्राफ होगा, ये चीज़ हमारे पास आएगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो कॉस इनवर्स का ग्राफ है, जब हम वहाँ पर एक्स या पे ज़ीरो रखेंगे तो कॉस इनवर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास वन बाई टू आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है जी। तो आपने यहाँ से देख लेना है कि ये हमारे पास कोज इनवर्स का ग्राफ इस तरह का होता है। नेक्स्ट टैन का ग्राफ है हमारे पास, टैन का ग्राफ है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे एक्स यहाँ पे जीरो रखते हैं, एक्स की जगह पर अगर आप जीरो वैल्यू पुट करें टैन जीरो के ऊपर, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, टैन जीरो के ऊपर जीरो ही होता है, इट मीन्स ये इस पॉइंट के ऊपर टच करेगा। जैसे ही आप x की जगह पर वैल्यू रखते हैं पाई बाई टू, यानी 90 डिग्री, पाई बाई टू के ऊपर जो टैन है वो क्या होता है, वो इन्फिनिट हो जाता है। तो इन्फिनिट की वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ तक। तो जब आपने इन्फिनिट को ज़ीरो से मिलाना है तो आपके पास ग्राफ इस तरह का बनेगा, और इसी तरह ही जब आपने माइनस पाई बाई टू पुट करना है तो भी वहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो माइनस इन्फिनिट आएगी, तो ये ग्राफ बनेगा आपके पास tan ऑफ x का जीरो के ऊपर माइनस प्लस के पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के ऊपर, और इसी तरह ही ये ग्राफ आपके पास बनेगा tan का, ये थी वैल्यू हमारे पास पाई के ऊपर, अगर आप वैल्यू पुट करें x के पे पाई तो tan पाई जीरो होता है, और यहाँ पर ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू के ऊपर जो tan है वो इन्फिनिट होता है, और पाई बाई टू के ऊपर जो है वो आपके पास ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिट वैल्यू देगा। तो इसी तरह ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनकी जो ग्राफ tan x की जो ग्राफ बनेंगे वो सारे ग्राफ इस तरह के बनेंगे। मेन ग्राफ जो वो ये वाला याद रखना है आपने कि यहाँ से जीरो के ऊपर क्या वैल्यू दे रहा है, जीरो दे रहा है, फिर पाई बाई टू के ऊपर वैल्यू क्या दे रहा है, इन्फिनिट दे रहा है, माइनस पाई बाई टू के ऊपर वैल्यू क्या दे रहा है, माइनस इन्फिनिट वैल्यू मिल रही है हमें। नेक्स्ट टैन का ग्राफ हमने देखा वो इस तरह का होता है, जीरो के ऊपर जीरो और पाई बाई टू के ऊपर में इन्फिनिट वैल्यू और माइनस पाई बाई टू के ऊपर भी इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट वैल्यू मिल रही है। और जब टैन इनवर्स की बात करेंगे, टैन इनवर्स का ग्राफ हमारे पास ये चीज़ होगी, इस तरह का ग्राफ होगा, यानी जीरो के ऊपर जीरो मिल रही है वैल्यू, और हमारे पास जो जब इसकी वैल्यू हम वन पुट करेंगे तो भी इसकी जो वैल्यू हमारे पास ये आएगी, और इसी तरह ही ये ग्राफ इसका बनेगा। आपने ये देख लेना ग्राफ, ये है टैन इनवर्स का ग्राफ। Thank you for watching this important lecture. Allah Hafiz.